हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 क्लचर हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजी है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल में हमें अपनी हेयर को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास मेरे जैसा टेलकॉम है तो आप इसे इस्तेमाल करके मिडिल पार्टीशन कर ले, वरना आप किसी भी बॉबी पिन की मदद से ऐसे मिडिल पार्टीशन कर सकते हैं। देन सामने का जो हेयर है यानी कि बैंग्स ऐसे ही निकाल ले अगर आपको पसंद है तो। देन अपने हेयर का एक छोटा सा सेक्शन लेके उसे ऐसे ही ट्विस्ट करना है और इसे पूरे हेयर तक यानी कि जिस हेयर सेक्शन को आपने लिया है उसके एंड पोर्शन तक ट्विस्ट करते हुए जाना है। देन यहाँ पर मैं बस ऐसे ही एक बॉबी पिन लगा रही हूँ, इसे मैं लास्ट में खोल दूँगी। देन सेम इसी तरीके से मैं अपनी हेयर के दूसरे साइड पर भी कर लूँगी। ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजी है, आप इसे किसी भी जीन्स टॉप या फिर साड़ी कुर्ती के साथ कैरी कर सकते हैं। देन अभी मैं इन दोनों पार्ट को ऐसे ही एक साथ करके यहाँ पर एक क्लचर लगा दूँगी। पीछे से यह हेयर स्टाइल कुछ ऐसे दिख रहा है। सेकेंड हेयर स्टाइल में भी हमें ऐसे ही मिडिल पार्टीशन कर लेनी है। अगर आपको मिडिल पार्टीशन पसंद नहीं है तो आप साइड पर भी पार्टीशन कर सकते हैं। साइड पर भी यह दोनों हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो अभी मैं अपनी हेयर की सामने का थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे ट्विस्ट करते हुए उसके साथ अपने थोड़े थोड़े हेयर को जोड़ रहा हूँ ऐसे, और उसे भी ट्विस्ट करते हुए जा रही हूँ। ऐसे सामने का जितने भी हेयर है उसको मैं एक साथ ट्विस्ट कर लूँगी। देन अभी मैं इसे सामने की तरफ थोड़ा सा ऐसे पुल करूँगी ताकि ये इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। देन अभी मैं इसे उसी क्लचर से ऐसे ही लगा रही हूँ और अभी मैं सेम इसी तरीके से अपनी हेयर के दूसरी साइड पर भी कर लूँगी। तो अभी मैंने अपनी हेयर के दोनों पार्ट को ट्विस्ट कर लिया है और अभी मैं इन दोनों को एक साथ एक जगह पर ले जाके क्लचर को लगा दूंगी। और अभी मैं अपने हेयर को थोड़ा सा सामने ले आ रही हूँ और उसे अच्छे से कॉम कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं और आप इस हेयर को पूरा पीछे की ओर भी ले सकते हैं। सो पीछे से ये हेयर स्टाइल कुछ फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरह ही दिख रही है। तो ये रहा मेरा सेकेंड हेयर स्टाइल। नाउ थर्ड हेयर स्टाइल में भी हमें कुछ ऐसा ही मिडिल पार्टीशन कर लेनी है। देन उसके बाद हमें सामने से थोड़ा सा बैंग्स निकाल लेनी है। देन उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बाल लेके ऐसे ही, लेकिन इस बार मैं अपनी हाथ को ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, बस अपनी स्कैल्प के साथ ही हेयर को ऐसे ही नीचे से ट्विस्ट करते हुए एकदम पीछे की ओर ले जा रही हूँ और यहाँ पे मैं क्लचर को लगा दे रही हूँ। अभी ऐसे ही मैं नेक्स्ट साइड भी कर लूँगी। ये हेयर स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसे भी आप किसी भी तरीके की ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। तो दोनों साइड का हेयर को ट्विस्ट करना हो गया है। अभी मैं यहाँ पर एक क्लचर लगा दे रही हूँ तो मेरा हेयर स्टाइल बनकर रेडी है। पीछे की ओर बस ऐसे ही आप अपने बाल को छोड़ दें तो पीछे से ये हेयर स्टाइल कुछ ऐसा दिख रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर क्लचर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ हेयर स्टाइल। तो फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए भी मैंने यहाँ पर सेम मिडिल पार्टीशन ही रखा है और अभी मैं सामने का जो हेयर है उसे ले रही हूँ और अभी मैं इस हेयर से एक उल्टी ब्रेड बनाऊंगी। देख सकते हो आप, उल्टी ब्रेड बनाना भी बहुत ही इजी है। तो ऐसे ही आप एक उल्टी ब्रेड बना ले और बीच बीच में हमें क्या करना है, ऐसे ही अपनी हेयर को पुल करना है ताकि जो ब्रेड है वो थोड़ा सा बिगर लगे और थोड़ा वॉल्यूमनाइज लगे। तो ऐसे ही हमें हेयर के एंड पोर्शन तक करना है और हेयर को थोड़ा थोड़ा पुल करना है। और अभी मैं ऐसे ही अपनी हेयर के दूसरी साइड पर भी कर लूँगी। तो मेरा ब्रेड बनाना हो गया है। अभी मैं इन दोनों साइड के हेयर को पीछे की ओर ले जाके क्लचर से टाइट कर दूँगी। तो मेरा हेयर स्टाइल बनकर तैयार है। आप चाहे तो हेयर को सामने की ओर ले भी सकते हैं। तो ये रहा मेरा फोर्थ हेयर स्टाइल।
तो अभी बारी है लास्ट हेयर स्टाइल की, यानी कि फिफ्थ हेयर स्टाइल। तो इस बारी हेयर स्टाइल में मैंने मिडिल पार्टीशन नहीं किया है, क्योंकि चार हेयर स्टाइल मैंने ऐसे ही मिडिल पार्टीशन पर कर लिया था। तो इस बार मैं साइड से कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मांग निकाल सकते हैं या फिर नहीं, तो मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है। तो अभी मैं जिस साइड ज़्यादा हेयर है उस साइड से हेयर को लेके बस कुछ नहीं ऐसे ही ट्विस्ट कर दिया है, और ऐसे ही मैं अपनी दूसरी पार्ट को भी कर रही हूँ, यानी कि दूसरी साइड को हेयर को भी ऐसे ही ट्विस्ट कर रही हूँ, और उसे मैं पीछे की ओर ले जाके क्लैचर लगा दे रही हूँ। तो ये रहा मेरा बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी सा हेयर स्टाइल, इसे आप डेली बेसिस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, ये था मेरा 5 इजी क्लैचर हेयर स्टाइल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही बहुत ईजी हेयर स्टाइल के लिए, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।